हाय नमस्ते, कैसे हो आप? तो बता करती हूँ, बहुत 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 ही बढ़िया होगी। और आप पीछे देख रहे हो जो मेरा गार्डन था, उसमें से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो नए हैं और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो मुरझा गए हैं, तो उन सभी के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। लास्ट टाइम आपने जब भी देखा था इस प्लांट को, तो उस टाइम उसके ऊपर फूल आए हुए हैं, पर इस टाइम आप देखोगे तो छोटे छोटे से चीकू आए हुए हैं। और उसके आगे भी आए थे, पर वो मेरे खाने में भी नहीं आए। देखिए वो पता है कि नहीं, पर ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से चीकू आए हुए हैं। ये दोनों प्लांट तो जैसे थे वैसे ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं आया है। ये वीडियो में आपको थोड़ा आगे पीछे का दिखेगा, फिर यही तो मजा है मेरे वीडियो एडिटिंग करने का कि सब चीज़ें सब इफेक्ट हो चुकी है। तो आपको दिखाती हूँ, ये गुलाब का पौधा है पर इसमें फूल नहीं है, क्योंकि अभी समर हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसको छुट्टी है। और ये जो गेंदे का प्लांट आपको दिख रहा है, वो गेंदे का नहीं है, वो नकली वाला आता है, वो है जस्ट उसको शो के लिए रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो छुट्टी ना, जो कि हरा हरा दिख रहा है, और उसको देखते ही पुदीने की चटनी की याद आ जाती है और मुँह में पानी आ जाता है। और यहाँ पर धनिया पत्ता किया हुआ था, धनिया और लहसुन, पर वो भी सब निकाल लिया है। उसके बाद आप ये देख सकते हो फ्लावर को, ये बहुत ही अच्छा सा फ्लावर दिख रहा है। इस फ्लावर के बाजू में ही रोज का प्लांट है, तो उसमें भी फूल आए हुए, वो भी बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। और ये जो टाइमिंग है, ये पतझड़ का टाइमिंग है, तो बहुत सारे के पत्ते झड़ चुके हैं, पर बहुत सारे थोड़े थोड़े दिख भी रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये पिंक कलर का रोज है, ये ब्यूटीफुल बहुत ही प्यारा कलर है। और बस तीन ही रोज के पौधे थे जिसमें फूल आए हुए थे। ये नीम का प्लांट है जो कि उस टाइम में छोटू सा था, अब ये इतना बड़ा हो चुका है। और इसकी पत्तियाँ ही आपको नीचे से नहीं दिखेगी क्योंकि वहाँ से तोड़ती रहते हैं मम्मी जब भी चाहिए होता है तब। और ये बैंगन का प्लांट है जिसमें बस खाली फूल ही आते हैं, बैंगन कभी नहीं देखा मैंने। और ये मिर्च का प्लांट है जिसमें फूल और मिर्ची आती रहती है, आप छोटी सी क्यूट सी मिर्ची भी देख सकते हो। ये गमले में पता नहीं क्या था, वो सूख चुका है, ये तुलसी भी सूख चुकी है। दूसरा पौधा लगाया हुआ है पर वो ठीक से बड़ा नहीं है अभी तक। ये अरवी के पान हैं और ये चाय पत्ती, वो वैसी की वैसी ही है, को देख सकते हो ये कितनी लंबी है। ये मिंट है जिसको हम खाते हैं उधर सर्दी वगैरह कुछ हो तो भी, ये बहुत ही अच्छा हेल्दी सा प्लांट है।
ये है एलोवेरा, उसके फायदे और गुणों के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। अगर नहीं जानता तो मैंने आगे भी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है मेरे पूरे गार्डन टूर की, तो मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे दे दूँगी, आप जरूर से चेक कर लेना। और उसके बाद ये गमले में भी बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई थी पर अभी कुछ नहीं है, खाली खाली है। इसमें धनिया पत्ती उगाई हुई है पर वो भी सारी निकल चुकी है। और इसमें ये चनौती बोलते हैं जिसको मुखवास में भी हर कोई खाता है और इसका मुँह ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल सा प्लांट है। तो ये एक नया पौधा है। ये तुलसी का प्लांट है और उसके बाजू में ही पाइनएप्पल का प्लांट है, आप देख सकते हैं वो भी उस वीडियो में बहुत छोटा था, इस वीडियो में बहुत बड़ा हो चुका है। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, तो ये भी थोड़ा सा डंडी दिख रहा था पर अभी तो इसके तीन तीन डंडी निकल आए हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है उस वीडियो के मुकाबले इस वीडियो में। और ये प्लांट पूरा मुरझा चुका है और उसके बाद वापस से बैंगन का ही प्लांट है, इसमें भी पता नहीं बैंगन अभी तक नहीं आए हैं। और ये अजीरा जिसकी चटनी का वीडियो भी है और उसका आगे के जो भी महत्व है उसके बारे में भी एक वीडियो है, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। और आपको जो पीछे दिख रहा है वो खेत है और ये पूरा है मेरा होम का गार्डन, जो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे प्यार से इतना सपोर्ट करते हो और ऐसे प्यार जताते रहते हो, उसके लिए दिल से प्यार भरा बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे वाला बाय बाय।